उदयपुर से है जहां कांग्रेस विधायक का धमकी भरा वीडियो वायरल हो रहा है। सरपंच पति को विधायक गजेंद्र शक्तावत की धमकी भरा वीडियो जो है वायरल हो रहा है। 3 साल रहेगा जेल, 3 साल रहेगा राज्य, ये गजेंद्र शक्तावत का कहना है। बगावत करने पर सरपंच को फटकार भी लगाई। 3 से 4 दिन पुराना ये वायरल वीडियो बताया जा रहा है। पार्टी के साथ रहने की दे रहे हैं नसीहत इस वीडियो में। उदयपुर के बल्लभ नगर के विधायक हैं गजेंद्र सिंह शक्तावत। तो कांग्रेस विधायक का धमकी भरा वीडियो वायरल, सरपंच पति को विधायक गजेंद्र शक्तावत की धमकी, 3 साल रहेगा राज, इस वीडियो में बोलते हुए नजर आ रहे हैं गजेंद्र शक्तावत। बगावत करने पर सरपंच को फटकार भी लगाई है। 3 से 4 दिन पुराना है ये वायरल वीडियो। पार्टी के साथ रहने की दे रहे हैं नसीहत इस वीडियो में। उदयपुर के वल्लभ नगर से विधायक हैं गजेंद्र सिंह शक्तावत। पंचायत चुनाव को लेकर चल रही गहमा गहमी के बीच ये वीडियो वायरल होने के बाद अब कई सवाल उठ रहे हैं। सरपंच पति को धमकाने का वीडियो वायरल हो रहा है। विधायक शक्तावत का वीडियो 3 से 4 दिन पुराना बताया जा रहा है। चलिए और अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ सतीश शर्मा जुड़ चुके हैं। सतीश, ये वीडियो वायरल हो रहा है कांग्रेस विधायक का, क्या कुछ सच्चाई है इस वीडियो को लेकर के? नगर विधानसभा से विधायक हैं कांग्रेस के गजेंद्र सिंह शक्तावत और उनका ये वीडियो बताया जा रहा है जो 4 से 5 दिन पुराना है और इस इलाके में बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। वायरल इसलिए हो रहा है कि इस इलाके में पंचायत समिति के चुनाव हैं और आगामी पिछले 4 से 5 दिनों पिछले 5 दिनों में जिस तरह से उनका दौरा रहा है उसी बीच कई जो बागी प्रत्याशी रहे हैं उनको उन्होंने दबंगई अंदाज में धमकाया है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से सरपंच पति हैं बांसड़ा गांव के उनको धमकाया है और उन्हें ये कहा है कि सरकार उनकी है, 3 साल रहेगी, पार्टी के साथ काम करना पड़ेगा नहीं तो वो देख लेंगे। इस तरह की चर्चा वाला ये वीडियो सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है जहां शक्तावत अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ता अपने ही साथी रहे और अभी वर्तमान में जो सरपंच पति हैं उनको धमका रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार की बात कहते हुए, क्योंकि जिस तरह से पूरा मैटर रहा पहले सचिन पायलट गुट से ही आते हैं और इस तरह से चर्चा थी कि वो अब विधानसभा से लगातार गायब है, लेकिन कहीं के कार्यकर्ताओं में ये संदेश देने की कोशिश है कि 3 साल उनके पास है और फिलहाल कांग्रेस के लिए उनको काम करना पड़ेगा। सतीश, ये जानना चाहेंगे कि जो वीडियो वायरल हो रहा है और जिस सरपंच पति को धमकाया जा रहा है, क्या वो सरपंच पति इसको लेकर के शिकायत भी दर्ज कराई है? देखिए, अब तक हमने सरपंच पति से 3 बार बात करने की कोशिश की है, वो लिखित रूप में अभी पुलिस को शिकायत देने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया में वीडियो इतना वायरल हो चुका है कि उनके प्रति कहीं कहीं उस इलाके में सहानुभूति यहाँ पैदा होती नजर आ रही है। विधायक शक्तावत पूरे मामले पर बोलने से बच रहे हैं लेकिन सरपंच पति भी लिखित रिपोर्ट देने को तैयार नहीं है, यानी कहीं कहीं डर भी है वो यहाँ पर देखा जा सकता है। विधायक के दबाव का एक असर भी आप इसे मानिए कि यहाँ पर फिलहाल कोई किसी तरह की रिपोर्ट नहीं दी गई है। बहुत बहुत शुक्रिया सतीश तमाम जानकारी के लिए। तो गजेंद्र शक्तावत का ये धमकी भरा वीडियो वायरल हो रहा है, हालांकि अभी तक किसी ने शिकायत नहीं की है इस वीडियो को लेकर के। पंचायत चुनाव को लेकर चल रही गहमा गहमी के बीच उदयपुर बल्लभ नगर विधायक गजेंद्र सिंह शक्तावत पर सरपंच पति को धमकाने का ये वीडियो वायरल हो रहा है। और बड़ी खबर आ रही है रीट परीक्षा भर्ती 2018 को लेकर के, जल्द जारी होगी भर्ती की दूसरी सूची। सीएम ने सूची जारी करने के लिए दिए हैं निर्देश। 2 साल से चल रही भर्ती करने की मांग की गई है। 54,000 पदों पर निकाली गई थी भर्ती, लापरवाही के चलते 3500 पद खाली हुए हैं। तो रीट परीक्षा भर्ती 2018 को लेकर जल्द जारी होगी भर्ती की दूसरी सूची। सीएम ने सूची जारी करने के लिए निर्देश दिए हैं। 2 साल से चल रही भर्ती करने की मांग की गई है। महेश दाधीची हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेश, रीट परीक्षा जल्द जारी होगी भर्ती, इसकी दूसरी सूचना को लेकर निर्देश जारी किया गया है सीएम की तरफ से, क्या कुछ जानकारी इस बाबत? देखिए, बिल्कुल, रीट शिक्षक भर्ती 2018 की नियुक्ति में जो वंचित रहे हैं करीब 3500 बेरोजगारों को सीएम अशोक गहलोत की सबसे बड़ी सौगात मिली है और करीब 2 सालों से दूसरी सूची का इंतजार कर रहे बेरोजगारों को संवेदनशीलता दिखाते हुए राज्य सरकार की ओर से दूसरी सूची जारी करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं और इसके बाद से विभाग जो है अब दूसरी सूची को लेकर कवायद भी
शुरू कर रहा है। आपको ये बताना चाहेंगे कि साल 2018 में करीब 54,000 पदों पर रीट शिक्षक भर्ती निकाली गई थी, जिसमें विभाग की लापरवाही सामने आई थी और उसके चलते करीब 3500 से ज्यादा पद खाली रह गए थे, जिसके बाद से लगातार दूसरी सूची निकालने की मांग चल रही थी। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ है, उसने भी इस मामले में सीएम से मुलाकात की थी और इस मसले को सीएम के सामने रखा था। उसके बाद से ही सीएम ने इस मामले में तुरंत संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए, प्रशासनिक अधिकारियों को कहा कि इस मामले में जो है किसी भी तरह से लापरवाही नहीं करी जाए, क्योंकि ये बेरोजगारों के भविष्य से जुड़ा हुआ सवाल है। और भर्ती में जो अधिकारी हैं उनको साफ कहा गया कि जो दूसरी सूची जारी नहीं हो पाई है उस पर जल्द से जल्द कवायद शुरू की जाए, और अब ये कवायद जो है वो शुरू कर दी गई है। 3500 से ज्यादा पद जो खाली रह गए थे, इस मांग को लेकर के अधिकारी मंचों को भी जो है पहले अवगत कराया गया था, और अब जल्द ही जो है एक महीने में करीब 3500 बेरोजगारों को जो है रोजगार की सुविधा मिल सकती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया महेश तमाम जानकारी के लिए। तो रीट परीक्षा भर्ती 2018 को लेकर जल्द जारी होगी भर्ती की दूसरी सूची, सीएम ने सूची जारी करने के निर्देश दिए हैं। 2 साल से चल रही थी भर्ती करने की ये मांग और 54,000 पदों पर निकाली गई थी भर्ती, लेकिन लापरवाही के चलते 3500 पद खाली हैं। हालांकि अब ये बड़ी राहत वाली खबर उन आवेदकों के लिए जो इसमें भर्ती जो आवेदन करना चाहते हैं उनके लिए बहुत बड़ी राहत की खबर है ये। भरतपुर नगर निगम के कार्यकाल के 1 साल पूरे होने पर बीजेपी पार्षदों ने मेयर की सद्बुद्धि के लिए यज्ञ किया। बीजेपी पार्षदों ने मेयर पर विकास कार्यों को अवरुद्ध करने का आरोप लगाया। पार्षदों ने कहा कि नगर निगम का बोर्ड बनते समय मेयर अभिजीत ने शहर के विकास को गति देने के लिए बड़े बड़े दावे किए, लेकिन 1 साल में उन्होंने कोई कार्य नहीं किया और ना ही बोर्ड की मीटिंग बुलाई। शहर में आवारा गोवंश, बंदर, गंदगी, खराब सड़क सहित कई समस्याएं ज्यों की त्यों बनी हुई है। मंत्री महोदय को अपने नंबर बढ़ाने के लिए कि आगामी भविष्य में उनको शायद सांसद का टिकट मिल जाए, बिना बोर्ड की अनुमति के इस नगर निगम के आम जन के पैसे को वहां दिया है और शहर में ऐसा उन्होंने दिखाया जैसे वो व्यक्तिगत अपने कोष से इस पैसे को दे आए। इसी तरह से नगर निगम पिछले 1 वर्ष से पूरे शहर में नगण्य है, पूरे पार्षद सभी पार्षद इससे बहुत ज्यादा आहत है, आम जन के विकास के कोई कार्य नहीं हुए हैं। इसीलिए आज भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने 1 वर्ष पूर्ण होने पर भगवान हनुमान जी से और बिहारी जी से प्रार्थना की है कि प्रभु उनको सद्बुद्धि दे और वो अपने कर्तव्य का पालन करते हुए भरतपुर के आमजन की समस्याओं को दूर करें। धन्यवाद। उधर चित्तौड़गढ़ में पंचायत आम चुनाव में अंतर्गत पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्य चुनाव का लगभग आधा दौर बीत चुका है। 4 चरणों में संपन्न होने वाले इस चुनाव के 2 चरण का मतदान संपन्न हो चुका है। शेष 2 चरणों के मतदान भी की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। वहीं चित्तौड़ पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्यों का मतदान अंतिम चरण में 5 दिसंबर को होगा। इस मतदान के लिए सभी आवश्यक तैयारियां रिटर्निंग अधिकारी के देखरेख में चल रही है। उधर जाटों को केंद्र में ओबीसी वर्ग में आरक्षण सहित 3 मांगों को लेकर भरतपुर में एक सभा का आयोजन किया गया। सभा को संबोधित करते हुए भरतपुर धौलपुर जाट आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक नैम सिंह फैजदार ने आंदोलन के लिए एकजुट होने की अपील की। उन्होंने कहा कि कोरोना की वजह से जाट समाज ने सरकार को 20 दिन का समय दिया गया था, इसलिए सरकार ने जाटों की मांग पूरी नहीं की तो 20 दिनों के बाद जाट समाज आंदोलन का बिगुल बजा देगा। उधर बाड़मेर के कौशलो गांव में जलदाय विभाग का पुराना ट्यूबवेल पिछले 4 दिनों से आग उगल रहा है। ट्यूबवेल से उठ रही आग की लपटों से आसपास के इलाकों में दहशत है। स्थानीय लोग प्रशासन और तेल कंपनियों पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। बाड़मेर जिला कलेक्टर विश्राम मीणा ने पीएचईडी और प्रशासनिक अधिकारियों को ट्यूबवेल बंद करने के साथ एहतियात के कदम उठाने के निर्देश दिए थे, लेकिन अधिकारियों ने अभी कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। जो विशेषज्ञों की जो टीम है वो भेजने के लिए आग्रह किया है और मैं उम्मीद करता हूं कि विशेषज्ञों की टीम के आधार पर इसमें जो भी उसको नियंत्रण करने की जो कार्रवाई है वो निश्चित रूप से अमल में लाई जाएगी। इस पर बहुत जल्दी कोशिश की जाएगी कि ये जो
ज्वाला जो प्रज्वलित हो रही है, एक तरीके से गैस जो निकल रही है, गैस से जो फ्लेमिंग्स निकल रही है उसको यथासमय कंट्रोल करने का पूर्ण प्रयास किया जाएगा। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से अब मरुधरा के मैदानी इलाकों में सर्दी बढ़ गई है। कई शहरों में पारा सामान्य से नीचे चला गया है। पूर्व और उत्तरी राजस्थान में शीतलहर से ठिठुरन बढ़ गई है। मरुधरा के मैदानी इलाकों में सर्दी का प्रकोप, शीतलहर ने बढ़ाई कई शहरों में ठिठुरन, सामान्य से नीचे लुढ़का पारा। पहाड़ों से निकलकर मरुधरा पहुंची सर्दी। पहाड़ी इलाकों के मौसम का सीधा प्रभाव मरुधरा में देखने को मिल रहा है। कई शहरों और इलाकों में पारा सामान्य से नीचे चला गया है। जयपुर में पारा 11.4 डिग्री, माउंट आबू में 1.0 डिग्री, चूरू में 5.8 डिग्री, बीकानेर में 8.5 डिग्री, वनस्थली में 8.5 डिग्री, डबोक में 8.5 डिग्री, सीकर में 9.0 डिग्री, चित्तौड़गढ़ में 9.1 डिग्री, जयपुर में 11.4 डिग्री और जैसलमेर में 10.1 डिग्री। इसके साथ ही मरुधरा के कई शहरों में शीतलहर, कनकनी और ठंड का प्रकोप देखा जा रहा है। शहर में आज सुबह का तापमान 1.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ठंड का प्रकोप बढ़ने के बाद बाजार और बस स्टैंड में लोग अलाव का सहारा लेते हुए दिखाई दिए। चूरू में घने कोहरे की चादर बिछी।